Good afternoon, you all. So today the topic is struggle against apartheid. A democracy ka jo, that means civics ka chapter 2 hai, or civics ka chapter 2 topic rahega struggle against apartheid. Okay? So apartheid ka matlab kya hai? To isko dekhte first of all. It was the name of system of racial discrimination. Ye ek tarah se racial discrimination hai. ठीक है और बेसिकली ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है साउथ अफ्रीका में यूरोपियंस वाइट यूरोपियंस लोगों द्वारा ये सिस्टम को इम्पोज कराया गया था. दैट मीन्स साउथ अफ्रीका में ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वाइट यूरोपियंस द्वारा इम्पोज करवाए थे और इस अपार्थाइड सिस्टम में पीपल को स्किन का कॉलर का बेसिस में डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. That means apartheid system जो है ये एक racial discrimination है. ठीक है और ये racial discrimination जो है South Africa में impose कराए थे white Europeans ने. और इस system में होता क्या है कि इस system में वहाँ का लोगों को skin का color का basis में different groups में बांटा जाता है. For example द नेटिव अफ्रीकन जो नेटिव अफ्रीकन है अफ्रीका का ही वहाँ का जो ओरिजिनल इन्हेबिटेंट जो है. ठीक है वो लोग कॉलर से भी ब्लैक होते थे तो उन लोगों को कहता था ब्लैक. ठीक है और इसी तरह से वाइट यूरोपियंस जो ब्रिटिशर्स लोग अफ्रीका में आकर के वहाँ पर सेटल हुए तो उन लोगों को वाइट यूरोपियंस इन लोगों के कहते थे वाइट क्योंकि लोगों का कलर होता था स्किन का वाइट. और मिक्स रेसेस जैसे कि इंडिया में भी होता है एंग्लो जिनका पेरेंट्स होगा फादर होगा ब्रिटिश और मदर होगा इंडियन. इस तरह से मिक्स रेसेस का जो भी लोग अफ्रीका में रहते थे इन लोगों को कहते थे कलर और लास्ट में थे इंडियंस. दैट मीन्स साउथ अफ्रीका में उस समय वहाँ का जो लोग जो है जनरली फोर ग्रुप में बांटा गया था ब्लैक वाइट कलर्ड एंड इंडियंस. ओके नाउ द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट एज इन्फीरियर. तो वाइट रूलर जो है दैट मीन्स वाइट पीपल वहाँ जैसे इंडिया में रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स लोग उस तरह से साउथ अफ्रीका में भी किए हैं. तो वहाँ पर जो भी वाइट रूलर्स वहाँ पर रूल कर रहे थे वो लोग टोटल नॉन वाइट्स को इन्फीरियर ये लोग ट्रीट करते थे. दैट मीन्स ये लोगों को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते थे. और द ब्लैक वेर फॉरबिडन लिविंग इन वाइट रीजन. और जिस जिस एरिया में वाइट लोग रहते थे उस एरिया में ब्लैक लोगों को रहने के लिए कोई अनुमति नहीं था. और इसी तरह से स्कूल में हॉस्पिटल में होटल में चर्च में टैक्सी में बस में ट्रेन में पब्लिक टॉयलेट में का बात करेंगे ये टोटली सेपरेटेड था वाइट के लिए अलग ब्लैक के लिए अलग. और इस पॉलिसी को भी कहते सेग्रीगेशन का पॉलिसी. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो. थैंक यू. बाय बाय.